के जवान वालों, यहाँ पर पता है जब वोट लेना होता तो सारे नेताएं एक दूसरे को तू तू मैं गंदी गंदी गालियां दी गई थी मैं कर करके आगे रोड पर आ जाते हैं और वोट एक ना एक लेके निकल जाता है। लेकिन यहाँ अपने ही साथियों को, अपने ही एक ड्यूटी वाला दूसरे ड्यूटी वालों को इस तरह से लतेड़ रहा है, मतलब हद ही पार कर दिया आप लोगों ने। क्यों ऐसा करते हैं, क्या जरूरत है ऐसा करने के लिए? अब कोई नेता नहीं बोलेगा इस पक्ष में, कोई भी रोड पे नहीं उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फौजी आदमी को इस तरह से किया जा रहा है। मतलब मजाक बना के रखा है आप लोगों ने, खेल खेल रहे हो। अरे जिंदगी, तुम लोगों को कहना नहीं चाहिए क्या बोले अभी तुम लोगों को? एक आर्मी का जवान नौकरी बात है, मैं मानती हूँ पैसा के लिए करने जाता है इंसान, वो देश की सेवा करते हैं लेकिन पैसा भी कमाने जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमें वहाँ से जिंदा नहीं आना है। ये कोई नहीं जानता, हर आदमी पैसा कमाने जाता है लेकिन ये बांध करके गाड़ जाता है कि हमको नहीं मरना, हमको ऐश करना है। लेकिन फौजी में जो जाता है, जो आर्मी में जाता है, उसको पता होता है कि मेरी फैमिली मजा करेगी पैसा लेकर के, लेकिन मुझे मौत के मुँह में ही मरना है, मुझे मौत के मुँह में ही जाना है। हर फौजी का ये लक्ष्य होता है कि मुझे जाना तो है लेकिन हंसते हंसते शहीद हो जाना है। कभी ज़्यादातर हर फौजी की फैमिली पैसे लेकर के बैठ जाती है घर पर। मैंने ऐसे ना जाने कितने फैमिली वालों को देखा, खानदान वालों को देखा है, मैंने खुद से अपने ही लोगों को देखा है ऐसे करते हुए, लेकिन ये नहीं जानते कि वो फौजी वहाँ पर अपने मौत के मुँह से अगर कोई रिटर्न आ जाता तो रिटायर होने के बाद में उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दे, तो वो कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ता रहता, लड़ते लड़ते वो समाप्त हो जाता, उसकी दूसरी फैमिली आती वो लड़ने लगती है, मतलब लड़ते लड़ते ये कोर्ट कचहरी में ही फंसे रहते हैं। पहले तो देश की सेवा करने में फंसे रहते हैं, देश की सेवा करते करते अगर शहीद हो गए तो फिर कोर्ट कचहरी का केस देखें, मतलब क्या मजाक बना कर रखेंगे जिंदगी भर? ऐसे ही फौजी भाई युद्ध में मारे जाएंगे, कोई उनका साथ नहीं देगा। थोड़ा सा अगर इस तरह से जो बीच में हुआ है ना बुलडोजर चलने वाला, अगर ये काम हो जाए ना जिस दिन सारे देश में कि एक दूसरे को तुरंत शूट करने का आदेश हो जाए थोड़ा सा गलती पाई जाने पर, तो देखो जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी, चाहे वो औरत के लिए हो चाहे मर्द के लिए। जितनी औरतें कोर्ट में केस दर्ज करती है ना, फ्रॉड केस करती है, वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि केस को तुरंत पलट देना चाहिए, वो कहने नहीं जाए वो पैसा, क्योंकि देखो हर आदमी का पैसा नहीं है, क्योंकि पहले 20 साल लड़ चुकता है इंसान मुकदमा तो उसका पैसा समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरा जो मुकदमा होना चाहिए ना, वो कोर्ट की तरफ से फ्री होना चाहिए कि जो इंसान फर्जी वहां पाया जाए उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होकर उसको फांसी, तुरंत एनकाउंटर उसका हो जाना चाहिए। जिस दिन एनकाउंटर होना स्टार्ट हो जाएगा ना, सारी देश की महिलाएं गलत FIR करना बंद कर देंगी, गलत FIR मर्द भी नहीं करेंगे, क्योंकि मर्दों को भी प्रॉब्लम रहती है, कम नहीं है, दोनों पक्ष है। लोग कहते हैं ना लड़का आता तो लड़की में लोग तो खुशी मनाते, नहीं, जीवन पहले से ऐसे ही चलता आ रहा है, पहले से ही लोग एक दूसरे, जो मजबूत रहा चाहे वो लड़की रही चाहे लड़का रहा वो आगे बढ़ा। देखो फूलन देवी चाहे जैसी भी थी आगे बढ़ी, कदम को आगे बढ़ाया उसने और नाम रोशन कर लिया, चाहे कितना भी कष्ट, आखिर में आदमी ही जाते उसके साथ कष्ट किया था ना, बुरा किया था ना, मर्दों ने ही तो किया था ना, चाहे मर्द थी चाहे औरत थी, आखिर में जिस घर में उसके सास ससुर थे, सास भी तो महिला ही थी ना, लेकिन उसके लिए कोई खड़ी नहीं हुई, कोई भी नहीं खड़ा हुआ, आखिर वो अपने से ही खड़ी हुई क्योंकि उसके अंदर स्ट्रांग थी, वो अपने से खुद की मेहनत करना जानती थी। तो इसी तरह देशवासी अगर कहीं सेवा कर रहे हैं, आप पुलिस वाले खुद भी सेवा कर रहे हो, मैं नहीं मानती, मैं नहीं कहना चाहती कि पुलिस वाले नहीं कर, पुलिस वाले भी हर आदमी बेईमान नहीं है, कितने तो ईमानदार है कि अपने लिए ना जाने क्या क्या कर डालते हैं, वो इतनी मतलब अपनी जान को हथेली पे लेके घूमते हैं कितने पुलिस वाले। तो इस तरह से अगर कोई भी, आप भी जान पे हथेली पे लेके घूम रहे हैं और आर्मी वाले भी हथेली पे जान लेके घूम रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप लोगों ने ड्यूटी किया, देश के लिए किया, तो आपस में अगर भिड़ जाएंगे ना तो तीसरा मजा ही लेगा, तीसरा आपकी और कहेगा अच्छा है ये मर रहे हैं। देखो पुलिस वाले आर्मी वाले लड़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से लड़ाई हुई ना, लेकिन नेता बीच में नहीं आए। वही पठान कोट कौन सा भी मूवी बैकआउट करने लगे, क्या जो थे बैकआउट करने के, वो कमा खा लिया ना आखिर में, कमाया ना इस बंदे ने, मेहनत किया था ना उसने, क्या आप कह करके हासिल करना चाहते हैं? पिक्चर रिलीज हो गया आप रोक पाए? नहीं रोक पाए, केवल ये दंगाई करनी वो दंगाई, अब दंगाई करके दिखाओ ना, जितने दंगा वाले करने वाले लोग थे अब इनकी ज़रूरत यहाँ पर है, अब धरना देने की ज़रूरत है कि वाट लगा देनी चाहिए लोगों की कि कैसे आर्मी के ऊपर हाथ उठा लिया, क्योंकि आप लोगों में एकता ही नहीं है।
यहाँ आपस में तो सभी एक ही चीज जता है, अरे तुमने हाथ उठाया अच्छा हुआ, तुमको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अरे काय के लिए अवार्ड मिलना चाहिए? हाँ एक दूसरे में भिड़ रहे हो, एक दूसरे को समाप्त कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। बर्बादी की तरफ मत घूमो, ये जिंदगी है। हम मानते हैं कि गलती हुई, लेकिन इस तरह हाथ उठाने की कहाँ से, किस कानून में परमिशन दी गई कि हाथ उठाने के लिए? हाथ उठाने के लिए किसने? अगर आपको सजा ही देनी थी तो आप उनको मतलब बाइज्जत करके अच्छे से इज्जत से उनको लेके जाते हो, कहते भाई आपने ये गलती किया, आपको ही सजा मिलेगी। लेकिन हाथ उठाने को किसने बोला था? ये तो किसी लॉ में भी मतलब किसी कानून में भी नहीं कहा जाता कि भैया आप हाथ उठा लो। किसने आपको परमिशन दे दिया हाथ उठाने के लिए? बहुत गलत है। हर महिलाएं हर पुरुष एक दूसरे से जलता ही है, क्योंकि पता है वो उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहता, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता। जिस दिन औरत पैसे कमा लेती है ज़्यादा, अगर बैठे बैठे उसको रोटी मिलने लगती फ्री में, तो वो चली जाती है कोर्ट कचहरी युद्ध लड़ने के लिए, या तो बहुत मजबूरी में तो वो कोर्ट कचहरी जा, लेकिन बीच वाली तो ना जा पाती है ना रह पाती है, वो आफत में ही मच जाती है। तो जिंदगी है, आप सहूलियत से करेंगे तो सहूलियत मिलेगी। आप लोग सहूलियत से कोई काम करना ही नहीं, जब आप लोग आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं तो बाकी की सेवा कौन करेगा? यहाँ आपका ही लोग केस सॉल्व करने के लिए घूमेंगे तो अगले का केस कौन सॉल्व करेगा? कौन किसके पास रोना रोएगे? वहाँ आतंकी घुस जाएंगे, यहाँ आर्मी वाले एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, भैया चलो हमारा एक जवान फंस गया तो हम उसको लेने, तो यहाँ से अगर 50 आदमी आ गए आपको छुड़ाने के लिए तो देश में तो कोई भी मुठभेड़ी करके अंदर आ जाएगा, फिर क्या होगा? आप जितनी कार रखे हो गाड़ी रखे हो ना, एक मिनट में उड़ जाएंगी, एक मिनट में उड़ जाएंगी। देखा नहीं कैसे उन लोगों ने एंट्री मार दिया था? गलत है ना, आतंकी था ना कसाब, आया ना एंट्री किया ना, चाहे जैसे तैसे भी किया, लेकिन उसमें पुलिस वाले से लेकर के आर्मी वालों से लेकर के कौन नहीं उसमें आगे आया, और सब लोगों ने एक दूसरे का जब मुट्ठी बांध लिया तो उसको मुँह की खानी पड़ी ना। तो ऐसा ही आप लोग काबिलियत करो। लोग कह रहे हैं हमको पाकिस्तान चाहिए, हिंदुस्तान वाले तो कभी मांगते ही नहीं है कि हमको पाकिस्तान दे दो, जब भिड़ते हैं तो पैसा सबको चाहिए, ये तो हर आदमी का काम है, लेकिन हिंदुस्तान कभी भिड़ने नहीं जाता उनको कहने, नहीं तो एक मिनट में कब्जा कर लेगा पाकिस्तान। क्योंकि जब इंसान ने अपने घर से एक दिया ही है उनको, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था ना, और फिर हम कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान गए तेल लगाने, धरती ही अपनी है। आप धरती भी चाहे अमेरिका हो चाहे जैसे भी, अभी देखो अमेरिका वालों ने जब यहाँ पर हम लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था तो यहाँ हिंदुस्तान वालों ने कितने प्यार से उनको दे दिया था, भैया चलो हमारे साथ रहना, आना खाना रहना, क्योंकि एक दूसरे के जब खान पीन बदलाव होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, इंसान एक दूसरे की बातें सुनता है, दुख मुसीबत सुनता है, क्योंकि अमेरिका बाहर विदेश से भी जब लोग आए तो सती प्रथा रुकी, कितनी महिलाओं की जान बची उसमें, तो ये एक अच्छा काम भी हुआ था। लेकिन ये जब हबस हो जाता है ना, छीनने की जब आ जाती ना बात, तो फिर साला लड़ना ही है हर इंसान को, चाहे वो हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका चाहे कोई भी हो।